असलमशियल एंड ऑनर इन एक्शन इन दीडियो जो बेसिक टॉपिक है वो मैं चुकी हूँ एंड देट वार्केट एंड बाइंग बिजनेस मार्केट कंज्यूमर मार्केट से अलग कैसे है और थोड़ी सी और डिस्कशन हमें इस हवाले से रिक्वाड है कि बिजनेस मार्केट में जाने के लिए तैयारी किस तरह की होनी चाहिए एक ऑन्टरप्रन को किन किन चीज़ों का बहुत खास ख्याल रखना पड़ेगा अगर वो कंज्यूमर की बजाय बिजनेस मार्केट में डील कर रहे हैं स्टूडियो uh, में मेरे साथ हैं डॉक्टर रिजवान सलीम आप जानते हैं कि हम दोनों ये कोर्स आपके लिए पढ़ा रहे हैं सो so, आज की जो डिस्कशन है मेरी और रिजवान की दैट इज़ मोर फोकस्ड टूअर्ड्स प्रिपरेशन फॉर गोइंग इन टू द बिजनेस मार्केट तो रिजवान थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग वही मेन क्वेश्चन कि हमारे पास अगर हम बिजनेस मार्केट्स में जाते हैं तो है, हमारे पास गवर्नमेंट मार्केट्स भी हैं हमारे पास इंस्टीट्यूशनल मार्केट्स भी हैं एक कंज्यूमर जो एक जो कंज्यूमर मार्केट में डील करता है और एक ऑनटरपेन्योर जो कि गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूशनल मार्केट में जा रहा है उन दोनों की अप्रोच को अलग क्यों होना चाहिए और कैसे होना चाहिए शुक्रिया नारीन देखिए हमारा सवाल बहुत अप्रोप्रिएट है इसको जब आंसर करने से पहले मैं ये रियलाइज़ कराना चाहता हूँ हमारे जो ऑन्टपेन्योर्स हैं और जो हमारे पोटेंशियल ऑन्टन्योरस हैं कि अगर आप बिज़नेस ऑपरचुनिटीज़ की बात करते हैं तो जो बिज़नेस ऑपरचुनिटीज़ आपकी बिज़नेस इंस्टीट्यूशनल और गवर्नमेंटल मार्केट में हैं वो उससे कहीं ज़्यादा हैं जो कि कंज्यूमर मार्केट के अंदर होती हैं एक इस चीज़ का हमें रियलाइज करना चाहिए प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि कंज्यूमर मार्केट की जो ऑपरचुनिटीज़ हैं वो आपको सरफेस पे बहुत ज़्यादा चमकती हुई नज़र आती हैं इसलिए लोग ज़्यादातर उनकी तरफ तवज्जो करते हैं और उनके लिए तैयारी करते हैं जबकि जो आपकी वो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ जो बिज़नेस मार्केट और आपके इंस्टीट्यूशनल और गवर्नमेंट मार्केट्स में तो होती हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा चमक दमक नहीं होती ज़ाहरी लेकिन उनके अंदर जो है वो बिज़नेस पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है एक बात अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ देखिए एक तो रीज़न ये है जो मैंने बताई कि वॉल्यूम ऑफ बिज़नेस बहुत बड़ा है बहुत ज़्यादा है बिज़नेस और इंस्टीट्यूशनल और गवर्नमेंट मार्केट में इसलिए भी जो आपका ऑन्टरप्रनोर है उसे इन मार्केट्स जो अदर देन कंज्यूमर मार्केट्स हैं उनकी तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए दूसरी बात यह है कि ये वाली जो मार्केट्स हैं गवर्नमेंट है, है बिज़नेस है और इंस्टीट्यूशनल मार्केट है इसके डायनामिक्स जो हैं वो इंटायरली डिफरेंट होते हैं कंपेयर टू द कंज्यूमर मार्केट उसमें बहुत सारी चीज़ें आप ऑलरेडी लोगों को इंट्रोड्यूस करवा चुकी हैं मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि जो आपकी कंज्यूमर मार्केट है ना उसके अंदर एक इंडिविजुअल है या ज़्यादा ज़्यादा एक फैमिली है जिसने बाइंग डिसीजन करना है और उन्होंने जो भी कुछ बाय करना है वो अपने पर्सनल ज़ाती इस्तेमाल में लेकर आना इसके मुकाबले में जो आपकी बिजनेस मार्केट है गवर्मेंट मार्केट है और जो आपकी इंस्टीट्यूशनल मार्केट्स हैं वहाँ पर जो बाइंग डिसीजन है वो किसी पर्सन ने या इंडिविजुअल ने नहीं करना है वहाँ वो बाइंग डिसीजन एक सिस्टम ने करना है बड़ा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स अच्छा अब सिस्टम ने करना है बाइंग डिसीजन इट डजन मीन कि वहाँ ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व नहीं हैं वहाँ पर इंसान ही हैं लेकिन वो सिस्टमेटिकली इस तरह उनके रोल्स डिफाइंड हैं कि आप ये नहीं कर सकते कि आप किसी एक इंडिविजुअल को आपने इन्फ्लुएंस कर लिया है तो वहाँ से कोई आपको फेवरेबल डील मिल जाएगी ऐसा नहीं होगा वहाँ पर पूरा सिस्टम है और उस सिस्टम की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जब तक आप उन रिक्वायरमेंट्स उन डायनामिक्स को नहीं समझते हैं आप उस मार्केट में एंटर भी नहीं हो सकते और पेनिट्रेट भी नहीं कर सकते मैं थोड़ा सा यहाँ पर ये एक दफ़ा रिपीट रेपिटेशन होगी ऑलरेडी आप बता चुकी हैं अपनी वीडियोज़ के अंदर कि जो आपकी बिज़नेस मार्केट है ना उसने जो चीज़ों की बाइंग करनी होती है वो दो तरह से करनी होती है और दो तरह की चीज़ें वो बाई करते हैं एक तो उन्होंने बाइंग करनी है ख़ुद कंज्यूम करने के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दूसरी उन्होंने बाइंग करनी है उन प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए या सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए जो आगे वो गवर्नमेंट मार्केट्स इंस्टीट्यूशनल मार्केट या कंज्यूमर मार्केट्स को ऑफ़र करते हैं तो इनकी जो डिमांड होती है जो वो आपसे डिमांड करते हैं वो एक्चुअली डेराइव्ड डिमांड होती है जो उनकी फर्दर मार्केट के ऊपर डिपेंड करती है इसके मुकाबले में जो गवर्नमेंट है एक बात जो मतलब हम उसको हमें रियलाइज़ करना चाहिए किसी भी सोसाइटी के अंदर चाहे हम अभी जो हमारा जिसे हम कहते हैं मार्केट इकोनोमी के अंदर भी किसी भी कंट्री के अंदर जो सबसे बड़ा ऑन्टरप्रनोर है जो सबसे बड़ा कंज्यूमर है जो सबसे बड़ा बायर है वो गवर्नमेंट होती है चूंकि गवर्नमेंट ने आपको मल्टीपल सर्विसेज देनी है उसने आपको पॉलिसिंग देनी है उसने आपको डिफेंस सिक्योरिटी देनी, देनी है एजुकेशन देनी है उसको हेल्थ देनी है उसने, है, देनी है, है, है। उसने आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देना है अब ये सारा कुछ जो गवर्नमेंट ने आपको प्रोवाइड करना है ट्रांसपोर्टेशन देनी है उसने इतनी भी आपको ये सर्विसेज या प्रोडक्ट्स देनी है अपने सिटीजन्स को इसके लिए उसने सोर्स करना है तो वो जो इसने सोर्स करना है वो सोर्सिंग उसने ऑन्टपेन्योर से करनी है तो गवर्नमेंट जो है वो जो है वो सेंट्रली चीज़ें जो बाय करती है ये सर्विसेज लेती है वो अपनी आगे सर्विस प्रोवाइड करने के लिए लेती है इसके बाद तीसरी जिसका आपने जिक्र किया इंस्टीट्यूशनल मार्केट वो इंस्टीट्यूशनल मार्केट Owned by government भी हो सकती है और रन बाय द नॉन गवर्नमेंटल organizations भी हो सकती है और फॉर प्रॉफिट भी हो सकती है जिसमें आपके गवर्नमेंट के हवाले से प्रेजेंस हैं आपने कभी जेल का हमने हमेशा एक खास पस मंजर में उसका जिक्र हम करते हैं एक खास तारुफ के साथ ही करते हैं कि वहाँ लोग कैद किए जाते हैं अब आप जेल को एक सर्विस प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूशन समझें जहाँ जहाँ पर लोग हैं। रहते हैं वो कैप्टिव्स हैं बिल्कुल ठीक है उन वो वहां पर उन्होंने रहना है और उनको सरवाइव करने के लिए सभी सर्विसेज की, की जरूरत है तो वो सर्विस पर खाने से लेकर कपड़े सफाई बाकी तमाम सर्विसेज जो है सर्विस भी एजुकेशन भी एजुकेशन और और भी स्किल डेवलपमेंट भी वो सारी यहाँ से सोर्स होनी है तो कितनी सारी आपकी एक अपॉर्चुनिटीज है इसी तरह से हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट के हैं या प्राइवेट सेक्टर के हैं वो ये इंस्टीट्यूशनल मतलब मार्केट की मिसालें हैं बिल्कुल अब इसमें इशू ये है जो आपका स्पिरिट है सवाल की वो ये है कि ये डिफ़रेंट किस तरह से हैं एक तो मैंने कहा कि वहाँ जो बाइंग डिसीजन है वो सिस्टमेटिकली होता है फिर ये है कि वो बहुत केयरफुली होता है ठीक है वहाँ पर कोशिश ये होती है कि सस्ती से सस्ती चीज़ और अच्छी से अच्छी चीज़ जो है वो बड़ी क्वांटिटी में उन्होंने बाय करनी होती है वो उसको बाय कर फिर ये है कि जो आपकी गवर्नमेंट के इदारे हैं वो तमाम के तमाम अपनी बाइंग के लिए पेपरा रूल्स के पाबंद होते हैं यानी पेपरा रूल्स आप देखें सेट ऑफ रूल्स हैं जो प्रिस्क्राइब करते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को कि ख़ास अमाउंट से बड़ी जितनी भी बाइंग्स हैं वो उन्होंने एक सिस्टम से गुजर के करनी है यानी उन्होंने टेंडर्स ओपन कर दूसरा हाँ, सवाल था। वो टेंडर्स उन्होंने ओपन करने हैं पब्लिक को वो टेंडर्स उन्होंने देने अच्छा अब दिलचस्प बात यह है कि गवर्नमेंट के इदारे तो पेपरा रूल के तहत ये करते हैं प्राइवेट सेक्टर में वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि पब्लिक लिमिटेड कंपनीज बन जाती हैं है उन्होंने ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करनी होती है बिल्कुल क्योंकि उनको ऑडिट में से गुजरना होता है उन, और फिर उन्होंने अपने स्टेक होल्डर्स को जवाब देना होता है बिल्कुल कि उन्होंने कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी अपने किसी अजीज को नहीं दे दी है तो उन्होंने भी हमेशा ट्रांसपेरेंसी के लिए टेंडर्स ओपन करने होते हैं इसी तरह से प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज भी बहुत हद तक जो है वो टेंडर्स ओपन करने की कोशिश करती हैं अब ये जो टेंडरिंग का सरकार के गवर्नमेंट मार्केट्स हों या कॉर्पोरेट्स की मार्केट्स हों नौरीन ये टेंडरिंग का सिस्टम एक बड़ा डिफरेंट सिस्टम है यही मेरा तीसरा और सबसे अहम सवाल है जो पहले सवाल से लिंक है कि तैयारी कितनी मुख्तलिफ होनी चाहिए अप्रोच कितनी मुख्तलिफ होनी चाहिए तो टेंडर भी एक पूरा का पूरा एक सिस्टम है जो आपको समझना पड़ेगा और उसमें एक टेंडर को अपने आप को कोट करते हुए उनकी प्राइस अपनी क्वालिटी क्वांटिटी कोट करते हुए और अगर आप वो विन कर जाते हैं उस सूरत में अगर आप किसी भी टेंडर से जो आपने विन किया है उसमें आप रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ क्वांटिटी या क्वालिटी या टाइम फ्रेम जो है उसको अचीव नहीं कर पाते तो उसके अपने लीगल बहुत ज्यादा इशूज आ जाते हैं पूरी एक साइंस है आई थिंक टेंडर ये इजेंट इट सो ये बिल्कुल साइंस है और आप ये देखें कि इसके लिए पहली चीज तो ये है कि आपको अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आप गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूशनल मार्केट्स में सर्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको अपनी आंखें और अपने कान खुले रखने पड़ते हैं ये जानने के लिए कि टेंडर्स कहाँ ओपन हो रहे हैं कब ओपन हो रहे हैं इसको हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन सीख जी राइटेशन सीख मार्केट इंटेलिजेंस जो है वो आपने रखनी है क्योंकि टेंडर्स ने खुलना है एक महदूद वक्त के लिए और उसने आपका इंतजार नहीं करना है अच्छा वो टेंडर है उसके बाद फिर टेंडरिंग के अंदर आपकी प्री और पोस्ट क्वालिफिकेशंस होती हैं आपको अपने आप को उस टेंडर के लिए अहल भी साबित करना उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं हर हाँ, एक नहीं उसके लिए जा सकता उसकी सर्टन रिक्वायरमेंट्स आप पूरी करते हैं तो फिर वो टेंडर्स हैं फिर उसके अंदर आपने उसकी कोटेशन भरना को जमा करवाना और वो वो एक बिल्कुल और आपके जो कम्पेटर्स हैं वो क्या प्राइस कोट कर रहे हैं वो क्या क्वांटिटी और क्वालिटी कोट कर रहे हैं आपको नहीं मालूम आपको उसकी इंटेलिजेंस रखना उसको सामने अकाउंट फार करते हुए आपने क्योंकि वहां पर तो जो सबसे कम कोट करेगा उसको टेंडर मिल जाएगा ठीक है फिर एक चीज जिसको आपने कभी यानी मतलब भूलना नहीं चाहिए ऑन्टरप्रन को वो ये कि हर सोसाइटी के अंदर जो इंस्टीट्यूशनल मार्केट्स हैं गवर्नमेंट या बिजनेस मार्केट्स हैं वहाँ पर मेल भी होती है बिल्कुल और ये हमारा आखिरी सबसे अहम सवाल हाँ। था कि इसमें ना मेल प्रैक्टिस बहुत होती हैं कमीशन uh, बहुत होते हैं इंफॉर्मेशन बेच दी जाती है कम्पैटर्स की या प्राइस जो है वो डिस्क्लोज कर दी जाती है कम्पैटर्स की या uh, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो यही चीज़ आती है कि कुछ चोर रास्ते दिखा दिए जाते हैं Uh, कुछ आप गवर्नमेंट के साथ या किसी भी इंस्टीट्यूशनल के साथ क्वालिटी दिखा के और प्रॉमिस करके कहीं और आउटसोर्सिंग कर ये सारी मेल प्रैक्टिस पाई जाती हैं सो so, एक ऑन अपने जिसने uh, अपने सारे एथिकल कॉन्सिड्रेशन को अपने जहन में रखते हुए अपनी इस बिजनेस मार्केट में आना है उसके लिए इन सब मेल प्रैक्टिस को फेस करना कितना को डिफिकल्ट हो सकता है देखिए पहली चीज़ तो ये है कि जितना ये मेल प्रैक्टिसेस का तस्करा होता है ना ये बहुत होता है। अच्छा। आप ये नहीं कह सकते कि जितने भी टेंडर्स मिलते हैं जितने भी आ, आपको मिलती हैं ऑर्डर्स मिलते हैं वो वो लाजमी तौर पर मेल प्रैक्टिसेस का नतीजा होती हैं। इतना आसान नहीं होता यानी जो हो प्लेयर्स देखिए प्लेयर्स तो ऐसे वहां बैठे होते हैं जो कि आपको इस तरफ रागिब करने की कोशिश करते हैं एक्सप्लॉइट करते हैं लेकिन मैं आपको ये एशोर करना चाहता हूँ कि ज्यादातर जो ऑर्डर्स आपको मिलते हैं वो मेल प्रैक्टिसेस का नतीजा नहीं होते वो मेरिट पर ही मिलते हैं बिल्कुल ठीक है आपकी अगर क्वालिटी और आपकी कोट अगर सबसे अच्छी है ना तो कोई भी मेल प्रैक्टिस करने वाला आपका रास्ता नहीं रोक सकता है बिल्कुल और दूसरी बात यह है कि फिर ये आप पे डिपेंड करता है कि आप ने कहाँ पर रेड लाइन लगाई हुई है बिल्कुल। और आप शॉर्ट टर्म का गेन हासिल करना चाहते हैं कि या आप चाहते हैं कि नहीं देखिए दूसरी यह कि जब आप ब्रांड बन जाते हैं ना थोड़ी मेहनत करके इंतजार करके तो फिर चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाती हैं तो ये यानी कि हर्डल तो जरूर बनती है नौरीन, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही कुछ हो रहा है और फेयर प्रैक्टिस नहीं बिल्कुल अच्छा रिजवान ये टॉपिक ही ऐसा है इसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा बात कर सकते हैं लेकिन बेसिक ओरिएंटेशन एक तो ये है कि जो भी हमारे ऑन्टर बिजनेस मार्केट में जाना चाहते हैं वो अपने जहन में रखें कि उनका अप्रोच कंज्यूमर मार्केट से बहुत मुख्तलफ होगा सेकेंडली इंफॉर्मेशन सीकिंग बहुत क्रिटिकल होगी वैन यू आर मूविंग टूवर्ड्स दी बिजनेस मार्केट तीसरा जो सबसे अहम है वो ये है कि बिजनेस मार्केट्स के अंदर चाहे गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो उनका एक पूरा मैकेनिज्म होता है जिसमें रजवान ने जिसने बताया कि टेंडरिंग है टेंडर का एक पूरा मैकनिज टेंडर किस तरह से आप फाइल कर सकते हैं किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है किन चीज़ों में समटाइम्स ऐसा भी होता है रजवान के बहुत से हमारे जो ऑन्टर हैं वो किसी एक प्रैक्टिस को अंजाम देते हैं लेटर उनको पता चलता है कि ये एक मेल प्रैक्टिस है सो so, इन तमाम सेंसिटिविटीज को जहन में रखते हुए बिजनेस मार्केट एक बहुत बड़ी अपरचुनिटी है और कोई भी ऑन्टरपेन्योर चाहे वो एक नया स्टार्टअप के लिए क्यों नहीं आ रहा क्योंकि हमारे जिन में होता है कि पहले हम शायद कंज्यूमर में करेंगे फिर ग्रो करेंगे तो शायद बिजनेस में चले जाएंगे आप राइट फ्रॉम द डे वन भी बिज़नेस मार्केट्स में जाके ऑपरेट कर सकते हैं इससे पहले मैं और रिजवान बात कर रहे थे कि बिजनेस मार्केट्स uh, भी होती हैं एक ऑन्टरप्रनीर uh, के लिए जिनको जाके वो एक्सप्लोर कर सकता है और कंज्यूमर मार्केट्स और बिजनेस मार्केट्स यानी बी टू बी मार्केट बिल्कुल मुख्तलिफ होती है स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं इम्तियाज़ खालिद और सर के एक्सपीरियंस को तो कोई बीट कर ही नहीं सकता बी2बी मार्केट में आ, सर सबसे अहम सवाल बल्कि सबसे पहला सवाल प्रिपरेशन क्या रिक्वायर्ड होती है बिजनेस मार्केट में एंटर होने के लिए बिजनेस मार्केट से आपकी मुराद है आई अंडरस्टैंड इंस्टीट्यूशनल मार्केट बिल्कुल इंस्टीट्यूशनल मार्केट uh, पहली चीज ये है कि व्हाई उसको ऑब्जेक्टिव क्या है एंटरप्रेन्योर का एंटर होने के लिए Uh, मैं अगर अपनी बात करूं तो हम uh, लुब्रिकेंट के अंदर भी और बाकी बिजनेसेस में भी हमने इंस्टीट्यूशनल मार्केट को एज अ सीरियस पार्ट ऑफ द मार्केट शेयर रखा है इनफैक्ट uh, हमने तकरीबन 60-40 के रेशो के ऊपर मेंटेन करने की कोशिश की है जिसमें 60 परसेंट बी टू सी और 40 परसेंट बी टू बी रखा है uh, उसकी रीज़न ये है कि uh, हमारा ऑब्जेक्टिव जो था वो ये था कि हमने बी टू सी जो है उसकी ग्रोथ स्लो है कन्वर्जन कस्टमर की टाइम लेती है मार्केट शेयर को इन्हेंस करने के लिए लेने के लिए हम साथ बी टू बी जो है वो इंक्लूड करें जिसके वॉल्यूम ज़्यादा होते हैं सो इन टोटेलिटी आपका जो टर्न है वॉलीम है उसका मसल का आपको एडवांटेज आना शुरू हो जाता है बोथ इन टर्म्स ऑफ फाइनेस एंड इन टर्म्स ऑफ मटेरियल्स एंड अदर थिंग्स सोर्सिंग आपकी ज़्यादा होगी तो आप एवेलीबल कस्टमर हो गए फॉर द सरप्राइज एंड ऑल दैट तो मार्केट शेयर भी आपका जल्दी इनक्रीज़ हो जाता uh, तो अगर तो ऑब्जेक्टिव है अपने मार्केट शेयर को बढ़ाना और उसको uh, आगे लेके चलना तो फिर डिफरेंट तैयारी चाहिए अगर ऑब्जेक्टिव है कि जी हमने सिर्फ बी टू सी जो है इसको पीछे रखना है और एटी परसेंट हमने बी टू बी में चले जाना है तो फिर आप सीरियस वॉल्यूम्स की तरफ जा रहे हैं तो फिर उसकी तैयारी थोड़ी सी डिफरेंट होगी बट इन जनरल टर्म्स जो बी टू सी है इज़ अ टोटली डिफरेंट एनिमल एंड बी टू बी इज़ अ टोटली डिफरेंट एनिमल मैं इसलिए डिफरेंट एनिमल कह रहा हूँ कि जो आपको स्ट्रेटजीज चाहिए मार्केटिंग की सेल्स की पेमेंट्स uh, की सर्विस uh, डिलीवरी की uh, ये सारी की सारी टोटली डिफरेंट है फॉर इंस्टीट्यूशन मार्केट फॉर एग्जांपल इंस्टीट्यूशन मार्केट में आप बी टू सी में एक कस्टमर है तो एक कस्टमर है ना आप मेरी कस्टमर है आपने प्रोडक्ट खरीदा you, मैं आपको कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करूँ यू आर हैप्पी बट अगर इंस्टीट्यूशन में होंगे तो आप हैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैनेजर तो वहाँ पे हो सकता है कि दस लोगों को आपसे नीचे भी और दो लोगों को पाँच लोगों को आपसे ऊपर भी हम सबको एज अ ग्रुप एज अ कस्टमर लेके चलना हर एक इंडिविजली कस्टमर किसी को आपने अपनी सर्विसेज के थ्रू उसको सेटिसफाई करना है किसी को खाली सलाम दुआ के थ्रू सेटिसफाई करना है वो मतलब समझ लें कि डोर से ले डायरेक्टर तक ये सारे आपके कस्टमर हैं और सेल एक हो रही है उस, उसकी तो आपको उस अंदाज से चीज़ों के लिए तो आपकी सारी स्ट्रैटीज जो हैं वो इस चीज़ को सामने रखते हुए कि ये इंस्टीट्यूशन है यहाँ पे हमने उनको सर्विस भी हंड्रेड एंड वन परसेंट देनी है प्रोडक्ट भी उनको हंड्रेड एंड वन परसेंट क्वालिटी का देना है और उसके बावजूद आप, आपने उनका जो जो नीड है बियॉन्ड द प्रोडक्ट प्रोडक्ट सर्विस के अलावा सलाम दुआ इज़्जत करो नो हाल चाल पूछो ये, ये सारी चीजें आपने ये सारी चीजें आपको okay. करनी पड़ती right, है राइट 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 अच्छा सर इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग आपने आ, जो है वो एक दी थी ब्रांड विजिबिलिटी की वो मैं ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा था ना कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है तो अगर आप बी टू बी में बहुत बड़े भी बन जाए तो आपका ब्रांड नहीं बनता वो मैं ये बात कर रहा था तो अगर ऑब्जेक्टिव इज

कुछ बड़े इंटरेस्टिंग स्किल्स आपने बताए थे जो किताबों में नहीं लिखे हुए हैं <laughs> <laughs> हम वो स्किल्स सुनना चाह रहे हैं बिकॉज डिसीजन मेकिंग ऑब्वियसली इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स अभी एज कंज्यूमर मैंने uh, मैं मार्केट में गई अगर मुझे ये डायरी पसंद आई है तो मैंने ले ली और उसके पैसे पे कर दिए बट वैन इट कम्स टू दी बिजनेस मार्केट तो उसका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है तो वो स्किल्स जो थे जो आप बता रहे थे इंटरेस्टिंग स्किल्स वो बताइए जरा नहीं बेसिकली स्किल्स की उसमें जो रिक्वायरमेंट uh, है वो ये है कि यू हैव टू गो थ्रू लॉन्ग प्रोक्योरमेंट प्रोसेस इसमें टेंडर्स हैं या लिमिटेड टेंडर्स हैं आर एफ पी हैं ये फ्लोट हो रही है ये हो रहा है वो हो रहा है तो वो एक अगर आप ये सोचें कि मैंने आज शुरू किया है और महीने में मैं दस सेल्स कर लूँगा तो वो इस तरह नहीं होगा लॉन्ग uh, टर्म उनके प्रोसेस है जिसको यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस शॉट कोई नहीं है प्रोसेस जो right. जो आपको प्रामिस करेगा ऑर्गनाइजेशन के अंदर शॉर्टकट्स वो आपको बस ही करेगा right. uh, तो ये वो प्रोसेस लंबे हैं फिर इसमें जो मेन चीज़ है कि आपने प्राइस सबसे सस्ती देनी है सर्विस सबसे ज़्यादा देनी है बट फिर आपको वॉल्यूम्स मिल रहे होते हैं तो वो वाली आपको एडवांटेज हो रहा होता है इसके अंदर आपको जो कस्टमर है उससे एडवरटाइजिंग या प्रमोशनल वैल्यू नहीं मिल रही होती आप एक्स वाई जेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हंड्रेड एंड थाउजेंड रुपीज़ की सेल कर लें कोई देखने वाला नहीं है कुछ नहीं है बी टू सी के अंदर आपने अगर हज़ार पीस एक चीज़ के बेचे हैं तो है। वो कम अज़ कम पच्चीस दुकानों पर बेचे हैं वहाँ पे कम से कम हर दुकान पे पच्चीस तीस चालीस कस्टमर्स आए हैं उन्होंने हाथ लगा के देखा है।, है।, है उनकी बात की है एक डिस्कशन हुई है जो ख़रीद के गया उसने जाके बहनों को बताया भाइयों को बताया सो देर इज़ अ होल प्रोसेस उसके पीछे हो रहा था ब्रांड बिल्डिंग का जो कि यहाँ पे नहीं हो रहा था तो इसलिए ये टोटली डिफरेंट है बट हैविंग सेट दैट अगर आपका प्रोडक्ट अलाउ करता है तो आप दो तो टांगों पे खड़े होते हैं अगर आप बी टू सी और बी टू बी दोनों को लेके चल रहे हो right. और जिस वक्त मार्केट फोर्सेस बी टू सी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं फॉर एग्जांपल कोविड तो बी टू बी शायद चल रहा हो उस वक्त right. और जब गवर्नमेंट के बजट से कोई ऐसी चीज़ होती है तो बी टू बी में प्रॉब्लम आता है तो हो सकता है बी टू सी उस वक्त ग्रो कर रहा okay. so you get a stability in your business हो तो यू गेट अ स्टेबिलिटी इन योर बिजनेस ओवरऑल दोनों दो पे टाग, दो जब चल रहे ठीक हो गया और सर वो जो हम बात कर रहे थे कि इसमें एक जो दो एलिमेंट्स जिसको हम लोग पहले वो आपने जो सलामी की बात की जिसको हम अप, अपने लफ्जों में ने, <laughs> <थीक है ना? laughs> एक नेटवर्किंग और एक इंफॉर्मेशन सीकिंग आई गेस के आपसे हम जब ट्रेनिंग ले रहे थे तो आपने जो बताया था बिजनेस मार्केट में इफ यू इंफॉर्मेशन सीकिंग दोनों बिकॉज एज आट कि जो डोरमैन से लेकर डायरेक्टर तक सारे के सारे चेन के थ्रू आपको uh, जाना होता है तो उसमें नेटवर्किंग तल्क पैदा करने रिलेशनशिप uh, को ग्रो करना नॉट uh, नेसरली कि उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करना बट एटलीस्ट इतनी रिलेशनशिप हो कि जो आपके जायज़ काम है उतना रुके ना उनको तो आप मैनेज करें तो नेटवर्किंग उस लिहाज से और इंफॉर्मेशन भी उससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन है कि uh, कौन कॉम्पिटिटर्स है कॉम्पिटिटर्स के कनेक्शन क्या हैं डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस के अंदर कौन कौन इन्वॉल्व है किसका क्या परसपेक्टिव है लुकिंग एट द डिसीजन जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं yeah. तो वो सारी चीज़ें वो उसी तरीके से उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी कमर्शियल मार्केट में इंपॉर्टेंट है ओवरऑल जैसे बात होती है कि नेटवर्किंग एंड इंफॉर्मेशन सीकिंग इफॉर्मेशन इज़ पावर जैसे हम कहते हैं right. तो वही बात है कि यहाँ पे भी इट इज़ पावर if you know the organization better than the competitor you have more power right yeah. that, that is the main crux for yeah. the business markets that mm -hmm. information is a power see you in the next video